राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय उत्कल की सीमाएं उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में पन्ना तक फैली हुई थी। गंग वंश के प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेंद्र देव इस विशाल भूखंड के राजा थे। पुरुषोत्तम उनके 19 पुत्रों में सबसे छोटे थे। हालांकि वो अपने सभी भाइयों से छोटा था, फिर भी वो बुद्धि और बुद्धिमत्ता में महान था। अपने बेटे के असीम साहस, अविश्वसनीय धैर्य और असाधारण चालाकी को देखकर कपिलेंद्र देव ने अपने सबसे छोटे बेटे पुरुषोत्तम को अपने गद्दे का एकमात्र अधिकारी माना। लेकिन 19 बेटों में से सबसे छोटे और सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते उनका दिल इस संभावना से व्यथित था कि प्रजा और अन्य भाई असंतुष्ट होंगे और विद्रोह शुरू कर देंगे। फिर राजा कपिलेंद्र देव का हृदय इस विचार से व्याकुल हो उठा कि इससे देश में और अधिक अशांति फैल जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की शरण ली। महाप्रभु ने स्वप्न दिया कि जब तुम कल शाम को मेरे दर्शन के लिए आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस विशाल भूमि की राजलक्ष्मी उस पुत्रों के हाथ में शरण लेगी जो तुम्हारे वस्त्र उठाएगा। रात बीत गई और सुबह हुई। सूर्य देव ने अपनी शुभ किरणों चारों ओर फैलाई और पूर्वी आकाश को सुशोभित किया। राजा श्री कपिलेंद्र देव मन में विचार करते हैं कि वो शुभ समय कब आएगा जिसके भाग्य पर राजलक्ष्मी प्रसन्न होंगे और जिसके सिर पर राजलक्ष्मी की कृपा होगी। इसके साथ सुबह हो गई और शाम भी आ गई। कपिलेंद्र देव ने शाम को महाप्रभु के दर्शन के लिए निकले। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि आज हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो भारत की सीमा पर स्थित एक अंतिम गांव है जिससे माणिकपाटना के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जहां महाप्रभु श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र ने माणिक माँ के हाथों से दही खाया था। आज मैं आपको गजपति श्री पुरुषोत्तम महाराज की कांची विजय का पौराणिक कारण बताऊंगा और आज की यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान श्री भावकुंडलेश्वर के प्रकट होने का कारण भी बताऊंगा और भगवान श्री राम का स्नान तालाब भी दिखाऊंगा। इसके साथ हम आके पहुंच चुके हैं भारत भूखंड के आखिरी गांव के पास। आइए इस गांव का मनोरम परिवेश को एंजॉय कीजिए और आइए सुनते हैं बाकी कहानी। गजपति श्री कपिलेंद्र देव महाराज आज शाम के दर्शन के लिए निकले हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज उनके साथ उनके 19 पुत्रों ने भी निकले हैं। बद छाड़ी छाड़ जाइ छी बोले बद छाड़ी छाड़ जाइ छी बड़े समुद्र। माणिकपाटना चिल्का झील के
उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। इतिहासकारों का सुझाव है कि यह स्थल ईसा पूर्व पहली शताब्दी या ऑयरो खारवेल के समय का एक प्राचीन बंदरगाह था, जो चिल्का झील के दक्षिण पश्चिम में पालोर बंदरगाह के समकालीन था। तो हम उस दिन की बात कर रहे हैं, राजा कपिलेंद्र देव के साथ उनके 19 पुत्रों ने शाम को दर्शन के लिए गए थे। अचानक 22 पहाड़ चढ़ते समय राजा के पैर फिसल गया और उनके कपड़े नीचे गिर गया, लेकिन पुरुषोत्तम ने यह देखा और तुरंत अपने पिता के कपड़े नीचे से उठाए। यह देखकर महाराज कपिलेंद्र देव आश्चर्यचकित हो गए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ के निर्देश पर उन्होंने अपने सिंहासन पुरुषोत्तम को अर्पित कर दिया, लेकिन अन्य भाइयों ने पुरुषोत्तम को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यही भगवान श्री जगन्नाथ की इच्छा थी। दक्षिण में कांची नामक एक राज्य था, जिससे आज कांजीवरम कहा जाता है, और यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। वहाँ के राजा श्री कलयवलेश्वर थे और उनके पुत्री पद्मावती थी, जो अत्यंत सुंदर, युद्ध कला में निपुण और दयालु भी थी। एक बार जब गजपति श्री पुरुषोत्तम देव युद्ध क्षेत्र में गिर गए थे, तो पद्मावती ने उनके सेवा की। पद्मावती पुरुषोत्तम के बारे में जानने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनके पिता कलेवरेश्वर भी अपना समर्थन व्यक्त किया, लेकिन एक बार जब वह मंदिर में आए और पुरुषोत्तम को महाप्रभु के रथ के चारों तरफ झाड़ू मारने का देखा, तो उसने इस विवाह में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। अब हम आके पहुंच चुके हैं भाबा कुंडलेश्वर मंदिर, जो मानिक पटना में है, और यही जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र ने काला और सफ़ेद घोड़ा के साथ कांची विजय यात्रा के समय मानिक माँ के हाथों से दही खाया था। भगवान श्री जगन्नाथ का काला घोड़ा और श्री बलभद्र का सफ़ेद घोड़ा, जिसका पुनर्निर्माण चल रहा है, और उसके बगल में है यज्ञ स्थल। आइए जानते हैं यही वो भाबा कुंडलेश्वर मंदिर, जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय पर अपने भावों के साथ शिव भगवान के उपासना किए थे, और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं यहाँ का पूजक पंडित श्री राजकिशोर रिपु से। मना हूँ राजकिशोर रिपु, घर टाइ पाखरे प्रभु पाखु गोटे किलोमीटर भी हेनी तले गाँ ना हूँ ब्रह्मपड़ा। आज्ञा ब्रह्मपड़ा ब्रह्मपड़ा आम आन काल भगवान आमर बाप गोशियापुरुष ये सेवा पूजा प्रभु बाप कुंडलेश्वर सेवा पूजा। आज्ञा यहाँ हूँ प्रकृत माणिकपाटना, माणिकपाटनार प्रसिद्ध आउ ठाकुर होती भाबा कुंडलेश्वर पूज्य भाबा कुंडलेश्वर महादेव। तापर यहाँ हूँ माणिकपाटना, माणिकपाटनार जगन्नाथ बलभद्र यही जगार भी दही खाई दही खाई ये कांची अभियान जो बड़े दक्षिण भारत सालो नरसिंह राजा सहित युद्ध करने जगन्नाथ बलभद्र छद्म विषय आगर कलागड़ा दलागड़ा बाहर के ये आसिक पहुँचते ये सदा नित्यन एमती गोटे बरगछ पाखे सदा सद सर्वदा मान गोटे गौड़ी ये बहुत जातायात लोकों पर दही धरिकी बेपार उद्देश्य बस बस भितर जितेबाला जगन्नाथ बलभद्र मान सी तो सरलवणी खिया ठाकुर ठाकुर जगन्नाथ तेणुक माइका जो दही आंटी धरिकी बस तेणु लोभाशक्त हो बलराम को कहल भाई ये आम दही टी आगको बढ़ तेणुक दही माणिकी ठू यू दही खाई तक पाखे तो पैसा नाला
पैसा नथला सेठ मुद्रिका भी देखती पचरे गजपति महाराजा अच्छा तुम्हें प्राप्त नहीं जब तेणुक मुद्रीटी रखि यू भगवान ये राजा विश्वास होता जे प्रभु मोपाई युद्ध आगुआ बाहरी छे जगन्नाथ बलभद्र दही खाइला समय देखिल ये ये गोटे मंदिर फंदिर कि ना गोटे नागदेवता सदा बेले से कुंडलेश्वर को लगभग सब कुछ ने पंडित रिपु साहब ने बता दिया, लेकिन हम आपको सिर्फ बोल रहे हैं जब पद्मावती के पिता राजा कलेवर सर ने श्री पुरुषोत्तम को एक सामान्य झाड़ूदार कहकर इस विवाह से इनकार कर दिया तो यह जगन्नाथ का अपमान था। इसीलिए राजा पुरुषोत्तम इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने कांची राज्य के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। पहली लड़ाई कई दिन तक चली, लेकिन इसमें किसी का ना हार हुई ना किसी का जीत। लेकिन पुरुषोत्तम ने इस दुख भगवान को बताया और फिर से युद्ध किया, जिसमें कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र काला और सफ़ेद घोड़ा में सवार होकर युद्ध में शामिल होने के लिए आगे निकल गए और इसी स्थान पर मानिक माँ के हाथों से दही खा के पहना हुआ अंगूठा दे दिए और बोले कि पीछे श्री पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं उनसे पैसा ले लेने के लिए। भगवान ने साथ थे तो इस युद्ध में गजपति की विजय हुई और सजा के तौर पर उन्होंने पद्मावती की शादी एक बड़े झाड़ूदार के साथ करने का आदेश दे दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजा से बड़ा झाड़ूदार कौन होते हैं दुनिया में, इसीलिए अंत में गजपति श्री पुरुषोत्तम महाराज ने पद्मावती से शादी की। सोच रहा हूँ मेरा वीडियोग्राफी और जो मैं बात बताया आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।